जालंधर के वार्ड नंबर 56 के अधीन आते काजी मंडी के मोहल्ला संतोषी नगर में शीतल सिंह वाली गली में एक खाली प्लाट में शहर में से कूड़ा इकट्ठा कर बेलू नामक व्यक्ति उसे छांट कर सारा कूड़ा प्लाट में फेंक देता है और उसके बाद उसे आग लगा देता है, जिसमें कई तरह की तारें भी मौजूद होती हैं। उसके साथ कूड़ा उठाने वाले और भी व्यक्ति होते हैं। उनका ऐसा करने से मोहल्ला निवासियों को कई मुश्किलों व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वे कूड़े को आग लगाते हैं तो काफी देर तक गंदी बदबू आती है, जिस कारण कई तरह की बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। उन्होंने इस संबंधी कई बार उन्हें रोकने के लिए भी बोला है, पर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, उल्टा मोहल्ला वासियों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने उच्च प्रशासन से मांग की है कि उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर निशान सिंह, गुरप्रताप सिंह, इंदरजीत सिंह, परमजीत सिंह, शीतल सिंह, बलदेव सिंह, कुलदीप सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, रंजीत सिंह, सुरेश कुमार, नीरज कुमार, मनोज कुमार सहित अन्य मोहल्ला निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। प्रॉब्लम सानू ए इन्हें बड़ा परेशान किया, घर का कूड़ा है जी। केड़ी जगह है जी, दसो भला की नाम है? संतोषी नगर मोहल्ला, ये बेलू नाम का मद्रासी, इन्हें आन के इत्थे कुछ किराए ते आ ते कुछ इन्हें आपदा ले लिया आया मुल। इन्हें साढ़े पांच सत्त घर आ बहुत जीना हराम किया, 25-30 रेहड़े कूड़े वाले जेडे गली च लांदा है, तो गली च ये लाउंदा है, तो गली च ये साफ करदा आ। इन्नी स्मैल आउंदी, साढ़े पूरे टब्बरां दे टब्बर बीमार पए इन्फेक्शन नाल, किसी की कितों दवाई चलती, किसी की कितों चलती आ। जे इहनूं कहिंदे अपने अंदर कर, अपनियां कंधां कर, ये कहिंदा इदां ही कम चलूगा। ये असीं इह कहिंदे वी साडी सुनवाई होनी चाहीदी आ साडे घर जिहड़े। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਰੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 70-75 ਇਲਾਕੇ ਦਾ 15-20 ਘਰ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 15-20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੂੰ? ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਗੋਦਾਮ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।